जयपुर सहित प्रदेश भर में हो रही सड़क दुर्घटना का मामला शून्यकाल में सदन में गूंजा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की ओर से शून्यकाल में पर्ची के माध्यम से मामला उठाया गया। राठौड़ ने कहा कि सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, जिसके चलते राजधानी का सबसे VIP रोड JLN मार्ग पर भी सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से जवाब देते हुए कहा कि सरकार सड़क दुर्घटनाओं को लेकर पूरी तरह गंभीर है, जिसके लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। खाचरियावास ने कहा कि JLN मार्ग पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्रेकर बनाए जा रहे हैं, साथ ही देर रात तक चलने वाले बार पर भी रोक लगाने का सरकार प्रयास कर रही है, ताकि शराब पीने वाले लोग देर रात तक नहीं बैठ सके। खाचरियावास ने कहा कि विभाग की ओर से ऐसे लोगों के लाइसेंस भी निरस्त किए जा रहे हैं। ये राजस्थान की सरकार बहुत गंभीर है। जयपुर में जो सड़क दुर्घटनाएं हुई, उसके बाद हमने तय कर लिया, अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि जो लोग शराब पीकर इस तरह से सड़क दुर्घटनाएं कर रहे हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल किए जा रहे हैं और भविष्य में उनके लाइसेंस बनना आसान नहीं है। इस पूरे मामले में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर पूरे राजस्थान में हमने अधिकारियों से कह दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जो भी लोग ये समझते हैं कि सड़क दुर्घटना करने के बाद उनकी जमानत हो जाएगी, मैं उन सबको चेतावनी देना चाहता हूं कि सड़क दुर्घटनाओं में बचाव करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जयपुर में इन सड़क दुर्घटनाओं की जब जांच की गई, अधिकारियों से बात की गई, उसका बड़ा कारण एक ये भी रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो ये सर्किल हटाए गए, वो भी एक सड़क दुर्घटना